चढ़ती कला टाइम टीवी देख रही सारे दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है। रोज तरह फिर थोड़े रूबरू हो रहे पटियाला जिले की खबरों की अपडेट लैके गल कर लें। पहले अमरजीत जी नाल किसानी अंदोलन लैके अज 11वें दौर की मीटिंग बेसिट रही है, जिदे चलते सारे किसान आगुआ ने किसान जथेबंदियां ने 26 तरीक न 26 जनवरी को किसान जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च दिल्ली रखा हुआ उस संबंधी पहले गल कर लें। अमरजीत जी, किसान का जो ट्रैक्टर मार्च है 26 तरीक न लैके पटियाला जिले दी की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, तो कितना क बड़ा काफिला तुहानूं लगता पटियाला जिले चो जाएगा, तो किहदी अगवाई हेठ इत्थों ते कदों रवानगी हो रही है कि लगता अमरजीत जी रवानगी इन्हां दी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, जिस तरह तुसीं गल कीती गई आ वी हाँ आपां पिंडां चों पहलां सुणदे सी वी कि नाम ट्रैक्टरां जिहड़ियां जिहड़े पिंडां दे विचों जा रहे, पर जिहड़ा हुण जिहड़ा काफला है शहरां दे विचों वी रवाना हो रहा अपनियां गड्डियां दे राहीं। जेकर पटियाला जिले की गल की जाए अज भी पटियाला दे विच जिहड़ा वख वख जगह दे जिस तरह अर्बन स्टेट की गल की जाए आनंद नगर की गल की जाए तो रिपड़ की गल की जाए इत्थों जिहड़ा काफला जिहड़ा दिल्ली दे लई रवाना होया। कई तो नौजवान जिहड़े ने मोटरसाइकलों के उपर जिहड़ा दिल्ली गए ने आपां कह सकदे आ सिर्फ ट्रैक्टर नहीं पहुँच रहे, लोग अपनियां महंगी महंगी गड्डियां लैके भी जिहड़ा उत्थे जिहड़ा रवाना हो रहे ने। इक जिहड़ा उत्थे आपां कह सकदे आ जिस तरह ट्रैक्टर इतने रैली होनी है लोग अपन जी गड्डिया लैके जो उत्थे पहुँच रहे हैं। 26 तरीक जो हम देखना होगा जो केंद्र सरकार किस तरह जो है उत्थे नरेंद्र मोदी वो चर्चा चढ़ाया जाएगा किस तरह जो प्रदर्शन करते हैं। जी अमर जी, जो बंदे किसानी छड़ चुके हैं उन्होंने ट्रैक्टर नहीं है गड्डिया है, शहरी लोग हम गड्डिया लेके जा रहे हैं, तो कहने का मतलब है तो इन्हें ठंड मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। मैं उन्हें देखा कि अर्बन स्टेट फेस टू की गल की जाए तो उत्थे नौजवानों का काफिला से जिन्होंने कि नाम है अपने उरे मोढ़ियां के उपर काले झंडे बने हुए थे, कालिया जानी पट्टियां बनिया से रोस वजो जो है वो दिल्ली नहीं, वो नौजवान जो मोटरसाइकिल से रवाना होए। बेशक ठंड का मौसम है पर जज्बा जो नौजवानों की बड़ा बरकरार है क्योंकि उन्होंने इको मंग है, पर असं किसान नहीं है पर जो किसानी के नाल संबंध जरूर रखते हैं क्योंकि असं रोटी खाने घर का जो सारा अन्न अनाज खाने इन्हों से सिरती खाने इस करके जो असं उन्होंने समर्थन कर जा रहे हैं। जी स्लोगन जो चल रहा है नो फार्मर नो फूड वह अधीन ही चल रहे हैं। अमरजीत जी अगली गल कर लें, 26 जनवरी आ रही है जिहड़ा राष्ट्रीय झंडा लहराने की रस्म पंजाब दे मुख्यमंत्री वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों उन्होंने जद्दी शहर विखे लहराया जाना है, उसके चलते अज प्रशासन वालों तैयारियों का जायजा लिता गया, कि वाई हेड मीटिंग हुई तो ड्यूटीज लगियां कि ड्यूटियां लगियां? जी बिल्कुल, जिस तरह 26 जनवरी की गल की जाए जिवें पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पोलो ग्राउंड विखे जिहड़े और झंडा जरा जी रसम है वह करेंगे। बेशक कोविड का समय कोविड के जो हदायतों को देखते हुए पूरा जरा इंतजाम किए जा रहे हैं। अज भी जरा प्रशासनिक अधिकारियों से सेहत डिपार्टमेंट मीटिंग की गई, पटियाला जो डिप्टी कमिश्नर SSP मौजूद सन और होर कई जो अधिकारी मौजूद सन। किस तरह जरा मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही जरा पटियाले अपने महल के आ जाना जो कि सानू सूत्रों का पता लगा एक दिन पहला जोड़े ने कई विकास कार्य जो चल रहे उन्होंने जो मुख्यमंत्री जायजा भी लैन गए तो सारी रिपोर्ट भी जरा देखे भी कि जो काम जो अधूरे रह गए हैं कि पूरे हुए हैं। इस दिन यह भी पता लग गया भी कई जो होर प्रोजेक्टर के जोड़े ने वह शुरुआत भी जोड़ा मुख्यमंत्री करेंगे। हूँ 26 तरीक में जो देखना होगा जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उरे आएंगे कि जरा पटियाला वासियों जो होर कुछ देकर जाते हैं। जी अमरजीत जी अगली गल कर लें, सेहत विभाग में जुड़ी हुई है, सेहत विभाग वालों छापेमारी जारी है कि गुप्त सूचना आधार से छापेमारी की जा रही है या कोई कोई मुहिम चलाई गई है सेहत विभाग वालों? जी बिल्कुल, जिस तरह सेहत विभाग की गल की जाए बीते दिन जरा एक पिंड पटियाला एक पिंड उ एक वीडियो वायरल हुई जिसे एक मिठाई दुकान से जी कीड़ा जरा गुलाजम के देखने को मिला, जिस तो बाद सेहत विभाग जरा लगातार चौकस हो गया उसू लैके जरा कई पिंड सैंपल भरे गए, शहर की गल की हो कई मिठाई दुकाना सैंपल भरे गए, पर सवाल इतने को खड़ा होंगे सैंपल तो भरे जाते हैं पर जी रिपोर्ट है जी जनतक नहीं की जाती। पहला भी कई जो सैंपल भरे गए पर अजे तक बंदा मर जाएगा तद भी की नाम है सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती सी, सैंपलिंग नहीं कही रही थी बस सिर्फ एक प्रेस नोट जारी करके ही दस्या भी हाँ सैंपल भरे गए सैंपल की रिपोर्ट आऊगी, उस तो बाद पता लग गया भी ये मिठाई सही है कि नहीं। जब तो पहला जो सैंपल आने उस तो पहला तो जो लोग ने मिठाई जरा खा भी चुके होंगे ने पर जो लोगों इस बारे जनतक नहीं होंगे भी यदि मिठाई सही है ज गलत है। जी ठीक कह रहे हो अमरजीत जी, अगली गल कर लें, जड़ी भुन्नर रेहड़ी विखे की नाम है एक शराब के ठेके से लुट हुई है, की उदा जड़ी लुट हुई उदा कोई हुण तक गिरोह का कोई पर्दाफाश होया किना वो लुट की गई सी की नुकसान उत्थे होया की लुट के लै गए जड़े चो गिरोह सीगा? जी बिल्कुल, जिस तरह पटियाला जिले के पिंड की गल भुन्नर रेहड़ी की गल की जाए पटियाला बिल्कुल नाल ही है भुन्नर रेहड़ी पिंड है जरा 7-8 किलोमीटर दूरी पर है, उत्थे जरा कुछ लुटेरिया वालों 5-6 जो लुटेरे आए थे मुँह के उपर जो दसा जा रहा नकाब बने हुए थे उन्होंने ठेके के उपर जरा
ਧਾਵਾ ਬੋਲਤਾ ਧਾਵਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਫਰਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਂਕੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਫਟੀ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਭੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 16 ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 11 ਨੇ ਨਾਭਾ 2 ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 3 ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 233 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ